हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज हम देखेंगे राजस्थान का भूगोल आपको पता है कि अभी डिस्ट्रिक्ट चेंज हो चुके हैं पहले तैंतीस ज़िले थे राजस्थान में और तैंतीस से बढ़कर अब पचास ज़िले और दस संभाग हो चुके हैं तो इसलिए हम राजस्थान का जो भूगोल है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं हुआ है थोड़ा बहुत चेंजेज जो है जिसको हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके हम डेली पढ़ेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं आज पहले चैप्टर से ये पहले इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो राजस्थान का नया नक्शा जो आया है जो अपडेट होकर आया है वो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आपको आप देख पा रहे हो कि जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है वो इस तरह से यहाँ पे शो हो रखे हैं आपको तो ये आप देख सकते हैं ये पी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी तो आप वहाँ से चारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अगर किसी ने नहीं ज्वाइन कर रखा है तो हर यू वीडियो की पी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी तो आज पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं और इसका पहला चैप्टर है हमारे पास राजस्थान एक परिचय राजस्थान के परिचय के बारे में हम देखेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति कब हुई थी कितना इसका क्षेत्रफल है और बाकी सारी डिटेल्स कहाँ कहाँ पे इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स मिलती है सब यहाँ पे हम एक एक करके देखने वाले हैं तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के परिचय से तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्तमान में जो राजस्थान है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का सबसे बड़ा राज्य की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य हमारे पास है राजस्थान राज्य इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है तीन लाख बयालीस हजार दो सौ उनचालीस वर्ग किलोमीटर अगर वर्ग किलोमीटर में आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है तो अगर वर्ग मील में दिया हुआ है तो एक लाख बत्तीस हजार एक सौ चालीस वर्ग मील दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हुआ हो सकता है आपको दोनों याद करने की ज़रूरत है और ये क्वेश्चन आप देखते हो हर एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि आप राजस्थान का अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का अक्सानसीय विस्तार की अगर हम बात करें तो अकसांसी विस्तार है तेईस डिग्री तीन मिनट तेईस डिग्री तीन मिनट व तीस डिग्री बारह मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार की बात करें तो सिक्सटी नाइन डिग्री थर्टी मिनट से मिनट व सेवेंटी एट डिग्री सेवेंटीन मिनट पूर्वी देशांतर है अगर हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये राजस्थान का नक्शा आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका बांसवाड़ा जिला है और बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव है जहां पे आप आपको मिलेगा तेईस डिग्री जीरो तीन मिनट उत्तरी अक्षांश यहां से लेकर श्रीगंगानगर का जो लास्ट गांव है आपके पास यहां पे श्री श्रीगंगानगर जिले का कोणा गांव यहां पे आपके पास है तीस डिग्री बारह मिनट उत्तरी अक्षांश तो ये आपके पास उत्तरी अक्षांश हो गया अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में आपके पास हो जाएगा सिक्सटी नाइन डिग्री तीस मिनट ये जैसलमेर जिले का यहाँ पर इस जगह पे आपका गांव मिलेगा कटरा गांव करटा गांव कटरा नहीं कट कर्ट, करटा गांव है जो जैसलमेर जिले में पड़ता है यहाँ से लेकर यहाँ पे फैला हुआ है ये सेवेंटी एट डिग्री सत्रह मिनट पूर्वी देशांतर तक और ये पड़ता है आपके पास धौलपुर ज़िले का सिलावट गांव है सिलावट वहां तक तो ये आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है कि इसके जो लास्ट गांव है श्रीगंगानगर का हो गया कोणा गांव इधर जैसलमेर का आपका हो गया करटा गांव इधर धौलपुर का हो गया आपका सिल, सिलावट और इधर आपका बोरकुंड गाँव तो ये भी आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्तमान में अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान में अभी टोटल चाल सॉरी पचास जिले हो चुके हैं और दस संभाग हो चुके हैं तो पचास जिले दस संभाग और चार भौतिक प्रदेशों में राजस्थान है वो फैला हुआ है अगर राजस्थान की जनसंख्या की बात की जाए तो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ही हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है तो 2011 की जन जनगणना के अनुसार आपके पास छः करोड़ पचासी लाख अड़तालीस जनसंख्या है और ये प्रेजेंट की नहीं है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है उसके बाद की जनगणना का अभी अपडेट आपके पास नहीं है तो आपको कोई भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो यही आपको बताना है नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित वर्तमान राजस्थान प्रारंभ में एक भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं था प्राचीन तथा मध्यकाल में ये कई प्रदेशों में विभाजित था और ये प्रदेश अलग अलग नाम से जाने जाते थे अभी जैसे हम जिन जिलों को अभी जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं इनको पहले पुराने टाइम में अलग अलग नाम से जाना जाता था जैसे बीकानेर और जोधपुर का जो प्रदेश है उसको ज, ये जो जिले हैं ये महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे और इस जंगल देश के आसपास का जो एरिया था उसको सपादलक्ष के नाम से जानते थे यहाँ पे चौहानों का राज हुआ करता था उस टाइम पे इसके अलावा जयपुर और टोंक के चारों ओर का जो प्रदेश था उसको विराट प्रदेश के नाम से जाना जाता था डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था कोटा बूंदी और उसके आसपास का क्षेत्र है ये हाड़ोती के नाम से जाना जाता था तो ये जो अभी डिस्ट्रिक्ट ये पहले किसी ना किसी अलग नाम से जाने जाते थे और ये नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको याद करने की भी ज़रूरत है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से जाना जाता था उदयपुर है उसका पुराना नाम है सीवी कई बार एग्जाम में पूछा गया है उदयपुर को सीवी के नाम से जाना जाता था जो बाद में चित्तौड़ और चित्तौड़ और मेवाड़ भी कहलाया था इसको उदयपुर को मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता था ये कई बार पूछा जाता है जोधपुर के राज्य को जोधपुर के राज्य को मरु मरुवार और बाद में इसको मारवाड़ भी कहलाया है जोधपुर में सबसे ज़्यादा मारवाड़ ही पूछा जाता है इसको मरु मरुवार के नाम से भी जाना जाता है आपको पता है यहाँ पे मरुस्तल है इस वजह से इसके ये नाम रखे गए हैं जैसलमेर का जो पुराना नाम है पुराना नाम मांड था और जालोर का पुराना नाम स्वर्णगिरी था तो ये यह यहाँ पे टोटल नाम नहीं लिए मैंने अगर आपको सारे नाम हर डिस्ट्रिक्ट के नाम चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊँगी यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं सिर्फ वही डिस्ट्रिक्ट्स के पुराने नाम लिए गए हैं तो जैसलमेर का मांड हो गया जालौर का स्वर्णगिरी हो गया गंगानगर के आसपास का जो प्रदेश था उसको योद्धे और आबू के आसपास का जो प्रदेश था उसको चंद्रावली के नाम से जाना जाता था बाड़मेर का जो प्रदेश है वो श्रीमाल कहलाया था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बाड़मेर को किस नाम से जाना जाता था श्रीमाल के नाम से जाना जाता था बर्तपुर धौलपुर और करेल करौली ये जो प्रदेश हैं ये सूरसेन प्रदेश के नाम से जाने जाते थे इनको कंबाइंडली सूरसेन इन प्रदेश कहा जाता था झालावाड़ को मालदेव झालावाड़ के साथ साथ प्रतापगढ़ का नाम भी आता है प्रतापगढ़ और झालावाड़ इन दोनों को मालदेव प्रदेश के नाम से जाना जाता था तो ये जो कुछ डिस्ट्रिक्स हैं जिनके पुराने नाम हैं वो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की इसके अलावा बाकी आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके बताना मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी इसका नेक्स्ट है अब हम देखेंगे कि राजस्थान को शब्द की उत्पत्ति है वो कब से शुरुआत हुई थी सबसे पहले किसने इसको राजस्थान नाम दिया तो अब हमारे पास हम यहाँ देखेंगे राजस्थान के बारे में तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग है वो अट्ठारह ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत बार पूछा जाता है कि राजपुताना शब्द का सबसे पहले किसने यूज किया था तो ये राजपुताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले यूज किया था और ये अंग्रेजी शासनकाल में राजपुताना ही कहलाता था क्यों राजपुताना कहलाता था राजस्थान क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे राजपूतों का शासन हुआ करता था इसलिए इसको राजपुताना नाम दिया गया था तो राजपुताना शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है और किसने किया है तो वो जॉर्ज थॉमस ने किया है जॉर्ज थॉमस के बारे में अगर हम देखें तो ये आयरलैंड के मूलतः निवासी थे जॉर्ज थॉमस है वो राजस्थान में सबसे पहले सेखावाटी क्षेत्र में आए थे शेखावाटी क्षेत्र कौन सा कहलाता है चूरू झुंझुनू और सिक्कर का ये जो एरिया है इसको शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है तथा इनकी जो मृत्यु है वो ब्रह्मपुर में हुई थी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इनसे रिलेटेड पूछ ली जाती है ब्रिटिश काल और मध्यकाल में राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था मैंने आपको बताई दिया क्यों राजपुताना कहा क्योंकि राजपूत राजाओं का इस टाइम पे राज हुआ करता था इसलिए इनको राजपूताना कहा गया इस एरिया को 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये जो है कि सबसे पहले राजपुताना शब्द का यूज किसने किया है तो ये 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक अपना ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ का नाम भी याद रखना है मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नाम से इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था इस ग्रंथ में इन्होंने उल्लेख किया है कि जॉर्ज जॉर्ज थॉमस ही संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था तो ये आपको याद रखना है सॉरी मिलिट्री मेमा, मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन है वो लॉर्ड वैलेजली के द्वारा किया गया था तो ये भी पूछ लिया जाता है लिखा किसके द्वारा गया था और इसको प्रकाशित किसने करवाया था और कहाँ पे ये डिटेल मिलती है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है अट्ठारह सौ उनतीस ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान शब्द का राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का उपयोग कहाँ मिलता है तो कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई पुस्तक है एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान इसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है लगभग अगर राजस्थान का इतिहास किसी एग्जाम में आता है हर, तो 99 नाइन परसेंट चांस बन जाते हैं इस पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है या तो सन पूछ ली जाती है कि ये पुस्तक कब लिखी गई थी तो अठारह उनतीस में किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी या राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था तो, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को घुमा के जरूर यह हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अठारह सौ में कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और इसी पुस्तक का दूसरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है सेंट्रल्स एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया और इस पुस्तक में तीन नाम दिए थे राजस्थान के तीन नाम यूज किए गए थे राजस्थान रजवाड़ा और एक नाम और था रायथान ये तीनों नाम पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इस पुस्तक में कौन कौन से तीनों नाम ऑप्शन में दिया दिया मिलेगा राजस्थान रजवाड़ा रायथान और उपरोक्त सभी तो आपको ये तीनों के तीनों नाम इस पुस्तक में मिलते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से बन जाती है अब हम देखते हैं नेक्स्ट द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का जो प्रकाशन है ये लंदन में जेम्स क्रुक के द्वारा किया गया था ये भी याद रख लेना है कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ कहाँ था लंदन में हुआ था और किन के द्वारा किया गया था जेम्स क्रुक के द्वारा किया गया था नेक्स्ट अगर टर्म यहाँ से अगर बात की जाए तो ये जो पुस्तक है इस ये जो पुस्तक है ये जेम्स टोड ने अपने गुरु जयंती ज्ञान चंद्र को समर्पित की थी तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है जयंती ज्ञान चंद्र और ये पुस्तक इन्होंने अपने गुरु को ही समर्पित की थी इसलिए इनके गुरु का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है जेम्स टोड ने इस महान ग्रंथ द एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद ये जो पुस्तक जेम्स टोड द्वारा लिखी गई थी इसको हिंदी में अनुवाद सबसे पहले किया था पंडित शंकर हीराचंद ओझा इनके द्वारा इस ग्रंथ को सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था और ये जो पंडित गोरी शंकर हिराचंद ओझा हैं उनके बारे में अगर जाने तो ये सिरोही जिले के रहने वाले हैं एक रोहिडा नामक गांव से बिलोंग करते हैं करते थे ये नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान का जो दूसरा नाम है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजूत स्टेट राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया भी जाना जाता है इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड की डेथ के बाद अठारह सौ में इनकी वाइफ जूलिया कट्टरबर्ग है इन्होंने एक और ग्रंथ को प्रकाशित किया और उस ग्रंथ का नाम है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया जिसमें भी राजस्थान के बारे में बहुत कुछ मिलता है तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनकी वाइफ जूलिया कटरबर्ग के द्वारा इनकी डेथ के चार साल बाद में ये एक और ग्रंथ प्रकाशित किया गया था ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया जेम्स टोड के जन्म की बात की जाए तो 20 मार्च सत्रह में ये जन्मे थे और 1835 में इनकी डेथ हो गई थी कर्नल जेम्स टोड है वो स्कॉटलैंड के इलिनस्टन शहर के मूल निवासी थे तो ये स्कॉटलैंड के थे मूलतः निवासी कर्नल जेम्स टोड के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि राजस्थान के बारे में इतनी डिटेल से इन्होंने ही लिखा है इसलिए इनके बारे में सारी डिटेल्स आपको याद रखनी जरूरी हो जाती है नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टोड है वो अट्ठारह सौ में जून माह में पहली बार उदयपुर आए थे कर्नल जेम्स टोड है वो सबसे पहले राजस्थान में कहाँ आए थे उदयपुर आए थे अठारह ईस्वी में और 8 मार्च 1818 को कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ और हाड़ोती के क्षेत्र में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में इन्हें भेजा गया था दक्षिण पश्चिम राजपूताना का रेजिडेंट पॉलिटिकल एजेंट के रूप में ये उदयपुर पहुँचे थे उसके बाद 3 तीन नवंबर 1819 को इन्हें सिरोई और मारवाड राज्यों का प्रभार भी इन्हीं को सौंप दिया गया था जेम्स टोड है वो राजस्थान के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरे राजस्थान का इतिहास लिखा था इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसके अलावा अगर हम देखें तो कर्नल जेम्स टोड है कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभा प्रभावित होकर उदयपुर के जो महाराज हैं भीम सिंह ने अजमेर के रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतराय शब्द का प्रयोग किया है चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी किया गया है इसके अलावा अगर हम देखें तो चित्तौड़गढ़ में एक शिलालेख लिखा हुआ है और इस शिलालेख में राजस्थानी शब्द का उपयोग किया हुआ है तो आपसे अगर पूछ लिया जाए और कहाँ राजस्थान का उल्लेख मिलता है राजस्थान शब्द का तो वो चित्तौड़गढ़ के शिलालेख में भी मिलता है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख या लिखित अगर प्रमाण की बात करें तो विक्रम सांत में खीमल माता का मंदिर है बसंतगढ़ सिरोही जिले में वहाँ पे बसंतगढ़ जो शिलालेख है उसमें राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है तो अगर राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण की बात करें तो वो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है बसंतगढ़ जो शिलालेख है ये चावंड वंश के शासक वर्मलात के समय का है और इसके अंदर प्रथा का उल्लेख भी मिलता है इसके अलावा मोहणौत नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसी ख्यात में राजस्थान के बारे में वर्णन किया हुआ है और बीनमाल हैं उन्होंने भी अपने ग्रंथ राज रूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख कर रखा है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे पास अभी तक हमने क्या क्या देखा सबसे पहले राजपुताना शब्द का उल्लेख है वो जॉर्ज थॉमस ने किया था उसके बाद जेम्स टोड ने अठारह सौ में एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है इसमें राजस्थान रायथान और रजवाड़ा शब्द का उल्लेख मिलता है उसके बाद अगर हम देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ का जो शिला है उसमें भी राजस्थान राजस्थान ये शब्द का उल्लेख मिलता है और बसंतगढ़ शिला में भी राजस्थान ये द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है जो सबसे पहला लिखित प्रमाण मिला है बसंतगढ़ शिला है वो चाउंड वंश से रिलेटेड है और मोहनोत नैणसी की जो नैणसी विख्यात लिखी गई है इसमें भी राजस्थान के बारे में लिखा हुआ है इसके अलावा वीरभवान ने भी अपने ग्रंथ राज रूपक में भी राजस्थान शब्द का यूज किया है तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास फैक्ट हैं जहाँ पे राजस्थान शब्द के बारे में मिलता है अब देखते हैं ब्रिटिश काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास करने वाले कविराज श्यामल दास थे ब्रिटिश काल में सबसे पहले जिन्होंने राजस्थान के बारे में इतिहास लिखने की कोशिश की थी वो थे कविराज श्यामल दास इन्होंने अपनी पुस्तक वीर विनोद में राजस्थान के इतिहास को लिखा है इसके बाद हम देखें तो राजस्थान सौ इक्यानवे में, में, में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने मराठों के विरुद्ध एक संयुक्त कार्यवाही करने के लिए जयपुर के नरेश सवाई प्रताप सिंह को एक पत्र लिखा था और इस पत्र में राजस्थान और राजस्थानियों जैसे शब्द लिखे हुए मिले हैं तो ये भी एक प्रमाण मिला है कि सत्रह सौ इक्यानवे में बहुत पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले इन्होंने एक लेटर भेजा था जब मराठों मराठों का विरोध जब मराठे बहुत ज़्यादा अपना वो दिक्कत क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे तो उस टाइम पे इन्होंने एक लेटर भेजा था जयपुर के नरेश सवाई प्रताप सिंह को और उस लेटर में इन्होंने राजस्थान और राजस्थान में एकता जैसे शब्द का यूज किया हुआ है मुगल इतिहासकार मुगल साहित्यकार इतिहासकार राजपूत शब्द को बहुवचन में राजपूताना शब्द मुगल इतिहासकार जब इतिहास लिखते थे तो वो राजपूत को क्या बहुवचन राजपूताना लिखते राजपूताना लिखते थे और इसी वर्ड्स को लेके अंग्रेजों ने फिर इसको राजपूताना शब्द कर दिया था वैसे राजपूताना शब्द क्यों लिया गया क्योंकि राजपूतों का शासन था इसलिए लिया गया था इससे ज़्यादा वो डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद में राजपूताना प्रांतीय सभा का अधिवेशन 9 सितंबर 1946 को हुआ था इसमें सबसे पहली बार नेहरू जी ने कर्नल जेम्स टोड के बाद एक सौ सत्रह वर्ष बाद में राजस्थान शब्द का यूज किया था तो नेहरू जी ने 9 सितंबर 1946 को दोबारा दूसरी बार राजस्थान शब्द का यूज किया पहली बार कर्नल जेम्स टोड ने किया था और दूसरी बार नेहरू जी ने ये 9 सितंबर 1946 को राजस्थान शब्द का यूज़ किया था इसके बाद ये शब्द एकीकरण के छठे चरण में वैधानिक रूप से राजपुताना की जगह प्रयोग में लाया जाने लगा जब राजस्थान का एकीकरण होने लगा था तब इस इस शब्द का बार बार यूज किया जाने लगा था अगर हम बात करें जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो जब राजस्थान के एकीकरण के समय पच्चीस मार्च 1948 में पूर्व राजस्थान संघ में पहली बार राजस्थान शब्द का यूज किया गया था राजस्थान के एकीकरण एक में एक पूर्व राजस्थान संघ बना था 25 मार्च उन्नीस को और उस टाइम पे पहली बार राजस्थान शब्द का यूज किया गया उसके बाद एकीकरण एक 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 में आपको राजस्थान शब्द का यूज है वो बार बार मिला है इसके अलावा अगर विधिवत रूप से देखा जाए तो छब्बीस जनवरी उन्नीस को ये विधिवत रूप से राजपुताना की जगह नाम बदलकर राजस्थान रख दिया गया था तो 26 जनवरी 1950 को राजपुताना शब्द को बदलकर राजस्थान ही रख दिया गया था 26 जनवरी 1950 को ही राजस्थान को खै ब और बी का दर्जा भी दिया गया था उसके बाद अगर हम देखा जाए तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति का समय आया था तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में उन्नीस रियासतें थी जब राजस्थान जब हमारा आ, इंडिया स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे राजस्थान की बात करें तो 19 देसी रियासतें थी तीन ठिकाने थे तीन ठिकानों में अगर देखा जाए तो लावा निमराना और कुशलगढ़ बहुत बार पूछा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी तीन रियासतें थी लावा निमराना और कुशलगढ़ उन्नीस देसी रियासतें थी तीन ठिकाने थे और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था ये तब था जब राजस्थान स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी राजस्थान को उस टाइम पे लेकिन इन सब का एकीकरण है वो इन ये इतनी रियासतें ठिकाने उन सबको मिला के जब एक बनाया गया वो इनका एकीकरण कंप्लीट हो पाया वो एक नवंबर 1956 को एक नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान है वो एक जगह बन के एकीकृत होकर तैयार हुआ था इसलिए जो वर्तमान हमारा राजस्थान हम देख रहे हैं वो बन के कब तैयार हुआ था एक नवंबर उन्नीस छप्पन को तो राजस्थान के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो वो कब आया था एक नवंबर उन्नीस सौ छप्पन को इसीलिए राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है एक नवंबर को इक्कीस फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है अब एक नवंबर को तो समझ में आया कि ये सारी रियासतें सारे ठिकाने एक हो गए थे वर्तमान जो स्वरूप है राजस्थान का वो बन के तैयार हुआ था इसलिए एक नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है लेकिन 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि जब राजस्थान का एकीकरण एक है वो आपको पता सात चरणों में कम्प्लीट हुआ था राजस्थान का एकीकरण का जो चौथा चरण था चौथे चरण में जोधपुर जयपुर बीकानेर बीकानेर और जैसलमेर ये जो चार बड़ी रियासतें थी इन चारों बड़ी रियासतों को एक, बड़ी रियासतों का विलन हुआ था और ये मिलके वृहद राजस्थान बना था इसको नाम दिया गया था चारों र, ये एक साथ मिल गए थे और इनको मिला के वृहद राजस्थान बना था इसलिए इस दिन ये बना था 30 मार्च उन्नीस को इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है कि चौथा एकीकरण एक है वो कंप्लीट हुआ था और चौथे एकीकरण एक में चार बड़ी रियासतें थी जोधपुर जयपुर बीकानेर और जैसलमेर इनका विलय हुआ था इसलिए अधिकांश कंप्लीट लगभग राजस्थान का एक ढांचा है वो इसी टाइम पे कंप्लीट हो गया था इसको वृहद राजस्थान नाम भी दिया गया था इसलिए तीस मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बाकी राजस्थान के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये उसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कवर करेंगे जिसमें आपका रिविजन हो जाएगा पी जिस किसी को चाहिए वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें वहाँ आपको पी मिल जाएगी वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो